आवास योजना में जांच के नाम पर हो रही है मोटी अवैध वसूली, एडीएम से हुई शिकायत। जहां एक तरफ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रत्येक गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, वहीं कुछ भ्रष्ट अधिकारी जांच के नाम पर कर रहे हैं मोटी अवैध वसूली। जी हां, ऐसा ही एक मामला जिला रामपुर के शाहबाद तहसील दिवस में देखने को मिला, जहां शाहबाद नगर की महिलाओं ने तहसील परिसर में अधिकारियों के समक्ष पेश होकर एडीएम उमेश कुमार मंगला को एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नायब तहसीलदार शाहबाद राजेश शर्मा द्वारा जांच के नाम पर मोटी अवैध वसूली कर रहे हैं। मोटी रकम न मिलने वाले पात्रों को दिखाया जा रहा है अपात्र। वही मीडिया से रूबरू होते हुए महिलाओं ने बताया, जी हमने ये शिकायत की कि हमारा लिंटर जो है पक्का दिखाया गया है हमें, जबकि हमारा पूरा ढहाया है, 5,000 रुपए हमसे मांग रहा है, हमारे पास नहीं है। जो हमारा आदमी है मजदूरी जी नायब गए थे, वो तहसीलदार नायब जी, उन्होंने करी थी चेकिंग, हमारा पक्को में डाल दिया, तब के हमारा आप अभी जाइए और अभी चेक कराइए, आप जाके हमारा लेंटर रहिए, घर पूरा ढह रहा है हमारा पूरा सारा जी, पूरा कच्चा है, आप अभी चलिए, हम यही खड़े हैं आपके पास ही, आप खुद ही जाके भेज दिए जाके, अगर आपको जी ये रिपोर्ट लगा दी कि लेंटर पड़ा हुआ है इनका, हमारे आदमी मजदूर आदमी, हमारे बच्चे 100 रुपए लाते हैं रोजाना आदमी हमारे, हम बच्चों को खिलाए, या मेरा बच्चा भी जला हुआ है, आप जाकर देखिए मेरा बच्चा भी जला हुआ है, मैं अपने बच्चा का इलाज करूँ या मैं अपने घर को करूँ, तो आप ही बताइए जाके। अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? अधिकारियों ने ये कह दिया कि आप चेक कराने भेजेंगे दोबारा जांच के लिए, आश्वासन जी जी आश्वासन दे दिया। सभी महिलाएं इसी तरह से परेशान हैं है। जी हम इसी तरह से हैं परेशान, आप तो खुद ही आप ही चेक करा लीजिए, आप जाके हम आपके पास ही खड़े हैं, अगर हमारा घर ड्राइवर नहीं है कि बच्चों का डर है, बच्चे दबाए तो आप लोग जिम्मेदार बनेंगे मेरे बच्चों का, मेरा तो बिल्कुल भी ठिकाना नहीं है, आप जाकर देखिए मेरे घर पे कि मेरा बच्चा भी जला पड़ा है मेरा घर। ये थी इससे पहले सर्वे जो हुआ था, इन्हें 5,000 में भेजा गया, वो लिस्ट ऊपर गई, अभी वो लिस्ट दोबारा आई है, इनका नाम ही गायब है, इनका या तो लेंटर दिखा दिया, पक्का मकान दिखा दिया, ये जमीन ज्यादा दिखा दी, इन्हें अपात्र कर दिया, पात्र है ही लोग, ये पात्र है जो इन्हें अपात्र करा है, इनके अलावा बहुत सी महिला है, कई सौ नाम कटे हैं मकान से, एक दो नाम निकटा है, 1260 की लिस्ट आई है। जाँच कौन कर रहा है? यहाँ जी नायब तहसीलदार ने इनका नायब तहसीलदार ने जाँच करी देगा, रेखवाल ने रोपट लगाई तो वो सही है, बिल्कुल सिपाही लाल जी ने यह रात में घोटाला होगा, सिपाही लाल जी ने तो रिपोर्ट सही लगाई थी, अभी बेचारी परेशान है, और हमने मांग करी है क्या दोबारा जांच कराई जाए, बंद दी जाएगी। इसी संबंध में उप जिलाधिकारी शाहबाज श्री घनश्याम त्रिपाठी से बात की गई। इनका आरोप था कि आवास जो है आपात कर दिया गया है, क्या मामला था? एक प्राथमिक पत्र आया है, कुछ लोग शिकायत किए थे कि इनको पात्र होते हुए इनको अपात्र घोषित कर दिया है, उसमें तहरा साहब को जांच पे लिखा गया है, और जो पात्र होंगे उनकी जांच पूरा होगी और निमन से उसमें कार्रवाई की जाएगी।